सिद्धेभ्यः तीनि भुवन में सा वीतुरागुवीक धर्म स्नेही बंधुओं, वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग सो के उठ के अखबार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अखबार पढ़ते हैं। यानी सुबह का समय एक ऐसा समय होता है कि मेरे ख्याल से 50% लोगों के हाथ में अखबार ज़रूर होता है। बड़ा इस समय प्रचलन अखबार का बहुत है। दिन में टाइम नहीं मिलता इसलिए सुबह सुबह पढ़ लेते हैं। दिन में चर्चा करनी है, आज अखबार में क्या आया था ये भी बताना कि मैंने अखबार पढ़ा है और अखबार में क्या आया था। जब चार जनों के बीच बैठूंगा तो चर्चा करने के लिए कुछ मसाला तो होना चाहिए, बिना मसाला के चर्चा कैसे होगी। इसलिए चर्चा करने के लिए मसाला इकट्ठा करते हैं सुबह से अखबार पढ़ के। कुछ ऐसे होते हैं सुबह पढ़ेंगे, फिर नाश्ता कर लिया फिर पढ़ेंगे, फिर खाना खा लिया फिर पढ़ेंगे, फिर शाम का खाना खाया फिर पढ़ेंगे, और रात को सोने के पहले चलो थोड़ा अखबार और देख लेते हैं। बेचारे पूरे दिन उनका पढ़ने में जाता है। कितनी अच्छी आदत है पढ़ने की, काश ये आदत शास्त्र पढ़ने की हो जाए। जितना टाइम अखबार में लगाया जा रहा है उतना टाइम शास्त्र में लगाया जाए तो जीवन में शांति आ जाए। अखबार क्यों पढ़ते हैं? अखबार पढ़ते हैं पहली बात, अखबार क्यों पढ़ते हैं, उसमें किसके समाचार होते हैं? अपनी आत्मा के, अपने परिवार के, अपने घर के, या कौन से समाचार होते हैं जिसे आप पढ़ते हैं? अरे बोलिए ना, हैं? सबसे पहले पेज में तो नेताजी होते हैं, राजनीति होती है ना? दूसरे पेज में क्या होता है? देखो मैं नहीं पढ़ती, हाँ मुझे तो 10-15 साल हो गई अखबार ही नहीं देखती। हाँ दूसरे पेज में क्या होता है जरा बताइए, हैं? वो वहाँ ट्रक पलट गया, उस पत्नी ने पति की हत्या कर दी, वहाँ पर दो गाड़ियों में टक्कर हो गई, हैं? बेटे ने बाप को पीटा, यही खबर होती ना। दूसरा पेज हो गया। तीसरा पेज क्या होता है? उसमें भी यही होता है ना? अब चौथा पेज पांच, बड़ा ऐसे नहीं, अखबार छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। मैं तो आश्चर्य करती हूँ कि एक रात में इतना बड़ा अखबार छाप के सुबह आपके घर पहुँचा देते हैं, कितनी स्पीड है। यहाँ तो एक किताब छपवाना हो तो 6 महीने लग जाते हैं, और वो किताब के पेज उतने ही होते हैं जितने अखबार के होते हैं, उसमें हमें 6 महीने लग जाते हैं। और यहाँ अखबार रात भर में छप के और गाड़ी में जाके तुम्हारे घर पहुँच भी जाता, तुम सो के भी नहीं उठ पाते हो कि अखबार तुम्हारे घर पहुँच जाता है। क्या स्पीड है, क्या काम की क्वालिटी है, हैं? कितना काम करते हैं लोग कि रात भर में छाप के और सुबह तुम्हें दे देते। बहुत बहुत बड़ी बात है ये छोटी मोटी बात नहीं है। और इतना बड़ा अखबार, यदि इसकी कीमत निकाली जाए तो 20-25 रुपये निकलेगी, इससे कम का नहीं होगा अखबार। और कितने में मिल जाता है आपको? 5 रुपये में, हैं? हाँ यदि 25-30 रुपये का बेचे हैं तो कोई नहीं खरीदने वाला, बस वो ही खरीदेंगे जिन्हें बहुत ज़रूरत होगी, बाकी कोई नहीं खरीदेगा। अब 5 ही रुपये का तो है, ले लो, महीने में 150 रुपये तो देना है, कोई बड़ी बात नहीं, ले लो कम से कम पढ़ने का काम, और कुछ नहीं तो रद्दी के काम तो आएगा। उसमें 3-4 किलो रद्दी, जितने का अखबार आता है उतनी रद्दी में मिल जाते हैं, तो कोई घाटे का सौदा नहीं, ले लो। ये विचार करके नहीं पढ़ना हो तो भी ले लेते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, सामने वाले के पास में अखबार है, वो बैठ के अखबार पढ़ रहा, बड़ा अभिमान, मेरे पास अखबार, देखो इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, मेरे पास अखबार है।
और जो उसके सामने बैठा है सीट में वो उल्टी गर्दन कर करके पढ़ रहा है, क्योंकि एक हिस्सा सामने वाले के पास है और एक हिस्सा इसके सामने वाले के पास है, वो पढ़ रहा कोशिश कर रहा है कि पढ़ा तो जाए, कैसे तो पढ़ा जाए। वो और नीचे कर लेता, तुम और गर्दन झुका लेते, वो और नीचे कर लेता, लेकिन पढ़ते जरूर हो। जहां जाए आंख बार बार, उसे कहते हैं अखबार। क्या? जहां आंख जाए बार बार, उसे कहते हैं अखबार। एक बहुत बड़ा चैनल है अखबार का, और मात्र भारत में ही नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। इसके कुछ पक्ष तो अच्छे भी हैं, लोग सावधान रहते हैं, जानकारी रहती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे यूज के और तुम्हारे काम के नहीं होते हैं, और फिर भी तुम पढ़े जाते हो। अब वहाँ पर टक्कर हो गई, दो लोग मर गए, क्या मिला? बोलिए, पढ़ के क्या मिला? उसकी लड़की भाग गई, अपनी लड़की को संभाल लो ताकि वो ना भागे, उसकी खबर अखबार में ना आए, हैं? चलो थोड़ी बहुत, लेकिन पढ़ने से रिजल्ट कितना है और टाइम वेस्ट कितना है। और आप कहोगे, माता जी हम यहाँ अखबार में नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने मोबाइल पे बैठ जाएंगे, हमें करना तो कुछ और है ही नहीं है, हमें तो पढ़ना केवल खबर ही है। खबर क्या पढ़ना है? खबर। अखबार में ना तो आत्मा की खबर होती है, ना कर्मों की जानकारी होती है, ना कोई मतलब बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है धर्म का, वो तो इतना सा आएगा अखबार में, वो तो इतना सा आएगा। और कहीं किसी दो जनों में लड़ाई झगड़े हो जाएं तो उसकी फोटो इतनी बड़ी आएगी और इतना बड़ा समाचार आएगा, दो गुटों के बीच हुई भिड़ंत। बोलिए हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि धर्म की खबर आपको प्रभावित नहीं करती और बाकी खबरें आपको प्रभावित करती हैं। और सुख की खबरें नहीं होती हैं अखबार में। बोलिए सुख की कितनी खबर होती है? आज छांट के देखना, कल अखबार पढ़ोगे ना, उसमें से छांटना कि सुख की खबर कितनी है और दुख की खबर कितनी है। उसमें दुख की खबर ज़्यादा होती है और सुख की खबर नाम मात्र की होती है, इसलिए कि कोई ये ना कहे कि आपने ये नहीं छापा, कोई ये ना कहे कि धर्म का नहीं आया, कोई ये ना कहे कि कुछ सामाजिक नहीं दिया, इसलिए थोड़ा बहुत वो भी दे देते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खड़े हैं, सारी दुनिया पढ़ रही है, सारी दुनिया पढ़ रही रहे हैं, सारी दुनिया पढ़ रही है, सारी दुनिया पढ़ रही, तो हम अकेले थोड़ी पढ़ रहे हैं, कोई बुरी बात थोड़ी है, सभी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। यानी जो काम सब करते हैं उस काम को करने में बड़ी सहूलियत होती है, चाहे वो पाप का क्यों ना हो, चाहे वो नरक जाने का क्यों ना हो। एक बार की बात है, प्रोग्राम था, बहुत सारे भक्त आए, एक भक्त कुछ गिफ्ट बनवा के लाए थे और वो बाहर, उन्होंने एक गिफ्ट उसमें से निकाली, मुझे लाके दिखाई और मेरे पास बैठ गए, तो डिब्बा खुल गया। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ, तो एक महिला आई, पता नहीं कुछ रखा है, दूसरी आके भी खड़ी हो गई, कुछ रखा है, अभी उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है, तीसरी आई, कुछ रखा है, उनमें से एक ने हिम्मत कर ली, बटने के लिए तो रखा है, हम ले लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है, उसने उठा लिया। और जैसे ही उसने उठाया, वहाँ जितनी महिलाएँ खड़ी थी, बोलिए ना, हम अकेले थोड़ी उठा रहे हैं, वो भी तो उठा रही है, हम अकेले थोड़ी उठा रहे हैं, वो भी तो उठा रही है। गलत या सही? गलत। लेकिन एक ने यदि गलत कर लिया तो सारे लोग उसको फॉलो करेंगे कि जब वो गलती कर रही तो मैं अकेले थोड़ी कर रही। यानी गलती यदि सामूहिक हो ना तो फिर बड़ी नहीं लगती है, फिर ये नहीं लगता कि हम गलती कर रहे हैं, ऐसा लगता सब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, छोटे कपड़े सब पहन रहे हम पहन रहे कौन सी बड़ी बात है, सूट सब पहन रहे हम पहन रहे कौन सी बड़ी बात है। यानी जो सब करने लगे वो तुम्हारे लिए धर्म बन गया, वो तुम्हारे लिए रास्ता बन गया, चाहे वो पाप का काम क्यों ना हो। यदि एक नरक गया वो भी तो जाता जा रहा नरक, हम चले जाए तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है भाई जाओ, सब जा रहे हैं तुम भी जाओ, सब कुएं में कूद रहे हैं तुम भी कूदो,
हैं, सब जो चीज़ खा रहे हैं तुम भी खाओ, सब जैसा पहन रहे हैं तुम भी पहनो, सब जैसा बाल बना रहे हैं तुम भी बनाओ, जैसा सब कर रहे हैं करो। लेकिन जो सब कर रहे हैं वो ही तुम कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो सब कर रहे हैं और वो ही तुम कर रहे हो भीड़ में, तुम भीड़ के भेड़ और शेर दो चीज़ होती हैं जंगल में, भेड़ और शेर। भेड़, एक भेड़ यदि कुएं में कूद गई तो जितनी पीछे की भेड़े हैं वो सारी कुएं में कूदेंगी, और शेर अकेला चलता है, उसे किसी भीड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और भेड़ अकेले नहीं रहती है, हमेशा भीड़ में रहती है। तो जो भीड़ कर रही है वो ही तुम कर रहे हो, तो तुम कौन हुए? नहीं नहीं, शेर हुए क्या हुए? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, है भीड़ भेड़ के जैसी होती है। भीड़ का अनुसरण, यदि एक व्यक्ति ने गलती करी, चोर है पकड़ा गया, चोरी एक के घर में हुई है, और जितने वहाँ देखने आएंगे सब मिलकर पीटेंगे। क्यों पीटेंगे? भीड़ पीट रही ना, चलो हम भी पीट लेते हैं, हम भी अपने हाथ गर्म कर लेते हैं। भीड़ में किया हुआ काम बड़ा सहजता और सरलता से हो जाता है, और पता भी नहीं चलता है कि पाप कर लिया, पता भी नहीं चलता कि बुरा कर लिया, पता भी नहीं चलता कि गलत कर लिया। और अकेले में करते हैं तो लगता है हाँ गलती कर रहे हैं। और कुछ हटके करो, जो सब नहीं कर रहे हैं वो काम तुम कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी क्वालिटी किस में आएगी? शेरों में। किस में आएगी? शेरों में। यदि व्रत भी करना हो ना, तो चार जनों से पूछेंगे, अरे व्रत ले रही है क्या? चल ले लेना, तेरे मेरे दोनों के हो जाएंगे, हम अकेले अकेले इसलिए नहीं ले पा रहे, चल तू भी ले ले। यदि व्रत करना, पूजा करना है, तुम पूजा कर लोगी क्या साथ में? अब तुम कर लो साथ में तो मैं भी कर लूँगी। यानी धर्म के काम करने के लिए भी भीड़ चाहिए, बिना भीड़ के धर्म के काम भी नहीं होते हैं। सब अखबार पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं। अब अखबार में होता क्या है? राष्ट्र कथा, राज्य कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा। कितनी कथा हो गई? चार। भगवान ने इन्हें विकथा कहा है, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा और चोर कथा। ये चार कथाओं को भगवान ने विकथा कहा है। विकथा का मतलब विपरीत कथा, जो नहीं करनी चाहिए वो वाली कथा, इसे कहते हैं विकथा, इसे नहीं करना चाहिए। अब राष्ट्र कथा अखबार में क्या है, कौन सी कथा है? राष्ट्र की कथा है, राजनीति की कथा है, राजनेता की कथा है, हैं फिल्मी नेता की कथा है, इन नेताओं की कथा है। इसमें कौन कुर्सी पे आया, किसने किसको क्या कर दिया, किसने कितना क्या कर लिया, सारी कथाएं। अब उनसे तुम्हें लेना नहीं, उनसे तुम्हें देना नहीं, उनसे तुम्हें कोई वास्ता नहीं रखना, लेकिन कथा दिन भर पढ़ते हैं, वहाँ ऐसा हो गया, उस नेता ने ऐसा कर दिया, उस नेता ने ऐसा कर दिया, पूरे दिन इन कथाओं पर ध्यान रहता है। चलो भारत की है तो मान भी लें, अमेरिका में कौन राष्ट्रपति है, वो क्या कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, सबकी राजनीति की जानकारी लेंगे कि कहाँ का प्रधानमंत्री है, कहाँ का मुख्यमंत्री है, वहाँ क्या करते हैं। राज्य कथा, वी कथा। अब तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं, तुम्हें अमेरिका जाना नहीं, वहाँ की राजनीति से लेना देना नहीं, वहाँ की राजनीति में तुम्हें पढ़ना नहीं, वहाँ की मैं तुम्हें वोट डालने तुम्हें मिलना नहीं, वहाँ की नागरिकता तुम्हें मिलनी नहीं, लेकिन कथाएं पूरे दिन करते हैं। बोलिए हाँ या ना, करते कि नहीं करते? और इन कथाओं से दूसरों की कथा, एक होती आत्मकथा और एक होती है पर कथा। आत्मकथा यानी अपनी कथा, अपनी कथा तो निपटती नहीं है, हैं? और दुनिया की कथा करते हैं, दुनिया भर की कथा कर करके और दिन भर पाप का बंद करते अपनी कथा बिगाड़ लेते हैं, दूसरों की कथा करते करते अपनी कथा बिगाड़ लेते हैं। तो राष्ट्र कथा, राज्य में क्या हो रहा। चलो आप यदि राजनेता हैं, आप राजनीति कर रहे हैं,
आप राजनीति में भाग ले रहे हैं, फिर आप करते हैं तो चलो मानते हैं कि चलो आपको उससे वास्ता है, आपको काम है, क्योंकि यदि आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप आगे कैसे काम करेंगे। तो मान लिया कि आप राजनीति में हैं तो आपको ज़रूरी है, लेकिन महिलाओं को कौन सा ज़रूरी है जो अखबार लेके बैठी रहती हैं। नहीं, महिलाएं पढ़ती नहीं पढ़ती अखबार? अरे बोलिए ना, कुछ पढ़ती हैं और कुछ नहीं पढ़ती हैं। वैसे ज़्यादातर शायद नहीं पढ़ती होंगी, है ना। थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता तो फिर अखबार चाहिए, और जो पुराने लोग हैं उन्हें नहीं चाहिए। वो तो अपनी सुबह उठे, नहाए धोए, अपने जाप करे, बैठे माला करे, मंदिर गए, दो चार घंटा पूजा करे, घर में वापस आ गए, उन्हें अखबार की ज़रूरत नहीं है। अखबार तो पढ़े लिखे लोगों की चीज़ है। तो पढ़े लिखे ज़्यादा पाप कर रहे या बिना पढ़े ज़्यादा पाप कर रहे? अरे बोलिए ना, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पाप कर रहे कि बिना पढ़े ज़्यादा पाप कर रहे? चोरी, यदि एक चोर चोरी करता है तो एक मकान में घुसता है, वहाँ से एक सामान उठा कर लाएगा, चोरी करेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो पूरी ट्रेन लूटता है, वो पूरी कंपनी लूटता है, वो पूरा बैंक लूटता है, जो पढ़ा लिखा होगा। और जो अनपढ़ होगा वो थोड़ा करेगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो ज़्यादा करेगा। पाप में भी विशेषता तब आ जाती है जब ज्ञान ज़्यादा हो। ज़्यादा बुद्धिमान होगा तो फिर ज़्यादा करेगा, और कम होगा तो कम करेगा। तो अखबार में कथाएं हैं, भी कथा पाप की कथा, जिन्हें नहीं करना चाहिए वो वाली कथा। और कई लोग तो जो हैं सो के उठते हैं, हाथ में चाय का प्याला, वहाँ इतने मर गए, एक चुस्कीली वहाँ इतने मर गए, एक चुस्कीली वहाँ बस पलट गई, वहाँ ये हो गया, अखबार पढ़ते जा रहे और चाय पीते जा रहे। भगवान आदिनाथ ने एक मृत्यु देखी थी, कितनी, 83 लाख पूर्व में एक मृत्यु देखी थी, एक, केवल एक मृत्यु, और उन्हें वैराग्य हो गया था। नीलांजना की मृत्यु देखी थी ना, नीलांजना नृत्य करते करते मर गई, और लेकिन उसी क्षण सौधर्मिंद्र ने बिल्कुल वैसी की वैसी दूसरी नीलांजना प्रस्तुत कर दी, क्षण भर की देर भी ना लगाई। लेकिन भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये तो चली गई है और ये दूसरी है, उन्हें पता चल गया, वैराग हो गया। और यहाँ सुबह से चाय पीते पीते इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, इन्हें कुछ नहीं होता, ना इन्हें वैराग आता, ना इन्हें करुणा आती, ना इन्हें दया आती, कुछ नहीं आती, बस अखबार जानकारी के लिए पढ़ा जा रहा है, पढ़ लिया। जो वास्तव में सहानुभूति, सौहार्दता है, सहृदयता जो होता है वो कम होते जा रहा है, बस अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाना चाहते हैं। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, स्मार्ट हूँ, क्या हूँ, स्मार्ट, अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। स्मार्ट किसे कहते हैं, हैं? फोन को स्मार्ट कहते, तुम्हें थोड़ी कहते हैं। आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं ना, फोन स्मार्ट हो रहे हैं, तुम स्मार्ट नहीं हो रहे हो। हाँ, जिसके हाथ में स्मार्टफोन होता है, आपकी परिभाषा में है, जिसके हाथ में स्मार्टफोन होगा वो स्मार्ट होगा। इसलिए स्मार्टफोन खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ हो सकता है ऐड दिखाई जाती हो, स्मार्टफोन लीजिए और स्मार्ट बनिए। यानी तुम स्मार्ट नहीं हो, फोन होगा तो तुम स्मार्ट बन जाओगे, नहीं होगा तो नहीं बनोगे। बोलिए हाँ या ना। स्मार्ट की परिभाषा, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, विवेक हो, हे उपादेय का ज्ञान हो, अच्छे बुरे का ज्ञान हो, संस्कारित हो, है मुस्कुराता चेहरा हो, वाणी में मिठास हो, उसको कहते हैं स्मार्ट। और आजकल छोटे छोटे कपड़े पहने हो, बाल फैलाए हो, ओंठों पर लाली हो, आंखों में काली हो, लगाते नहीं, काली नहीं लगाते, काजल लगाते ना, उसको तो काली बोल रही हूँ मैं। ओंठों पर लाली हो, आंखों में काली हो, कान में बाली हो, और फिर बजाएं ताली वो, समझ गए? यानी कि ये जो होते हैं, ये इनको स्मार्ट आजकल लोग समझते हैं। या तो टाइट कपड़े पहने हो, जीन्स टाइट हो,
शर्ट टाइट हो, ऐसे लोगों को स्मार्ट कहा जाता है। ये स्मार्ट की परिभाषा नहीं है। स्मार्ट तो वो है स्वस्थ भी हो, सुंदर भी हो, बुद्धिमान भी हो, प्रज्ञावान हो, विवेकवान हो, हैं, दूसरों के लिए आदर्श बन जाए, वो स्मार्ट कहलाता है। वर्तमान समय में तो स्मार्ट की एक बार मैं हस्तिनापुर गई थी, तो वहाँ उस एरिया में एक मूलचंद जी थे, उनका बड़ा नाम था, तो मेरठ से उनका नाम वहाँ तक हम हस्तिनापुर पहुँचे। तो एक व्यक्ति आए, आधी टांग का पजामा और हाथ की बनी बंडी, बंडी जानते हो ना, हाथ की बनी बनियान को बंडी बोलते हैं, हाथ की बनी बंडी, आँख में काजल, बोले माता जी वंदामी। अब मैंने तो कल्पना करी थी वही मूलचंदी बड़े स्मार्ट होंगे, स्मार्ट का मतलब वही कपड़ों वाला, जो लोगों की होती है वही वाला, कि बड़े ऐसे कपड़े पहने होंगे, ऐसे होंगे। तो अब वो आए, उन्हें बदनामी करी, तो आशीर्वाद दे दिया, चले गए। फिर बाद में एक आदमी को लेकर आए वो, फिर उनने बताया, बोले माता जी ये मूलचंद जी हैं। हैं, आजकल का इंसान कपड़ों से स्मार्ट बनना चाहता, यदि कपड़ों से कोई स्मार्ट बनता तो जो डमी दुकान में रखी होती है वो स्मार्ट हो जाती। यदि बालों से स्मार्ट बनते हो तो फिर तुम्हारे जो जितने पार्लर वाले हैं वो स्मार्ट कहलाते, तुम नहीं कहलाते फिर तो। घड़ी से स्मार्ट बनते हो तो घड़ी समय है, समय का सदुपयोग करोगे तो स्मार्ट हो, नहीं तो नहीं हो। घड़ी स्मार्ट नहीं होती है, घड़ी का सदुपयोग करने वाला स्मार्ट होता है। बात चल रही है वी कथा की, इसमें अभी स्त्री कथा आएगी ना, उसमें ये सारी कथा आ जाएगी। भगवान महावीर ने चार कथा कही हैं, जो 57 आश्रव चल रहे हैं, पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो, और इसमें छेढ़ाला में जो कहा है, मिथ्या अविरति अरु कषाय प्रमाद सहित उपयोगा। प्रमाद, प्रमाद शब्द सुना है आपने, बोले प्रमाद मत कर, यानी आलस मत कर, जो एक स्थूल उसका अर्थ है वो आलस रूप में लिया गया है, लेकिन यहाँ प्रमाद के 15 भेद हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रमाद क्या कहलाता है। चार कषाय, जो जिसका वर्णन अभी इसके कल तक हो चुका है, चार विकथा, राज कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, ये चार भी कथा, पांच इंद्रियां, यानी पांच इंद्रियों से भोगने वाले भोग, ये भी प्रमाद में आते हैं। पांच इंद्रियां, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रमाद कहे हैं, और इन 15 प्रमाद के माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है, और जिसमें विशेषता तो वी कथा है। अखबार से भी कथा करते हो, घर का काम निपटाए और बाहर बैठ गए पंचायत करने, क्या हो रहा है, उसके घर की बात, उसके घर की बात, उसकी चर्चा, उसकी चर्चा, उसकी निंदा, उसकी बुराई, हैं, उसकी बहू की बात, उसने उसकी सास के साथ ऐसा किया, सास ने बहू के साथ ऐसा किया, बैठे हैं और पूरे मोहल्ले और पूरे शहर की चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है, ये भी वी कथा है। क्या है ये, पाप कथा, वी कथा यानी पाप कथा है ये, आपस में चर्चा कर रहे हैं, कोई मतलब धर्म के अलावा जो चर्चाएं हैं उनका नाम है वी कथा। तो दिन भर में आप वी कथा कितनी देर करते हो और धर्म की चर्चा कितनी देर करते हो, अरे बोलिए ना, दाल में काला है, दाल ही काली है, हैं, सो के उठ के भी कथा शुरू हो जाती है, सो के उठ के, अखबार कहाँ है, अखबार कहाँ है, और अखबार कोई दूसरा पढ़ रहा हो तो इंतजार करना मुश्किल हो जाता है, जिससे आप ले ना पाओ, तुमसे बड़ा हो, तुमसे हैवी हो, जिससे तुम छुड़ा नहीं सकते हो, जिससे तुम मांग नहीं सकते हो, इंतजार करना मुश्किल होता है। नहीं कल से दो अखबार मंगवा लेना, ये भी सुबह से लेके बैठ जाते हैं, हमें देर हो जाती है, हमें भी तो पढ़ना है, दो अखबार मंगाना, कल से तीन अखबार आएंगे, एक एक घर में तीन तीन अखबार आते हैं, चार चार अखबार आते हैं, और अखबार कितना बड़ा होता है, लोग कितनी सहजता से पढ़ लेते हैं। अभी मैं कहूँ कि 6 महीने एक शास्त्र पढ़ना है,
तो अभी तुम्हें भारी लगेगा कि 6 महीना कितने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। तो लगेगा माता जी ने देखो कितना कम समय दिया है, कम समय 1 साल में एक शास्त्र का कहती तो हम मान भी लेते, अब माता जी ने तो देखो 6 महीने में अब इसको पूरा करना पड़ेगा। और वो तुम्हारा 50 पेज का अखबार तुम चाट जाते हो दिन भर में, क्यों भाई? रुचि। क्या रुचि? अखबार पढ़ना नहीं पड़ता है, पढ़ा जाता है। जैसे व्यसन होता ना, व्यसन जिसके बिना रह नहीं पाते, खोटी आदतों को व्यसन कहते हैं और अच्छी आदतों को संस्कार कहते हैं। तो अखबार आज व्यसन बन गया है, आज अखबार के बिना मेरे ख्याल से होली और दिवाली के दिन अखबार नहीं आता है, ऐसा है क्या? रक्षाबंधन में तो आता होगा, अगले दिन नहीं आता है। अच्छा, उस दिन लोग बेचैन हो जाते हैं एक दिन अखबार ना आए तो। और जबकि एक शास्त्र पढ़ा उससे तो कुछ मिलता है, एक अखबार पढ़ने से क्या मिलता? बोले माता जी आपको क्या पता, हमसे पूछो क्या मिलता है। वो इतना दुखी है, वो इतना दुखी है, वो इतना दुखी है, हम सुख। फिर और फिर क्या हुआ था? फिर वो रो रो के बता रही है, तुम सुन रहे हो, उसे भी रस आ रहा है, तुम्हें भी रस आ रहा है। क्या आ रहा है? रस, स्वाद आ रहा है। दूसरे की दुख की खबर सुनने में भी स्वाद आता है और सुनाने में भी स्वाद आता है। अभी एक बहन जी थी तो वो आई, कुछ घटना उनके घर में घट गई थी तो उन्होंने सुनाना शुरू किया, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। फिर बोली मैं ना वहाँ गई थी और उनने तो बिल्कुल नहीं सुनी, उनने तो ढंग से बात भी नहीं करी, उन्हें पता था कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई है, उन्हें सुनी तक नहीं। समझे बात को? यदि सुन लेती तो अच्छी है और नहीं सुनी तो अच्छी नहीं है। कौन? साधु भी सुन ले तो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा है और ना सुने तो बुरा है। तुम साधु के अच्छे बुरे का लेबल किससे करते हो? तुम्हारी बात सुनने से। तुम्हें सुनाने में रस आ रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है, तभी सुना रहे तुम बार बार। यदि तुम्हें मजा ना आए ना तो तुम सुनाओ ना, तुम्हें भी मजा आ रहा है सुनाने में। अब मैंने तो सुन लिया, रस लेके नहीं सुना, मैं तो उस घटना को पढ़ रही थी कि घटना घटी उस समय ये क्या बोल रही है। मैं उन्हें पढ़ रही थी कि उन्हें कैसा लग रहा है, उनके चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं। यानी कि दुख इंसान को बहुत प्रभावित करता है। यदि आपके पास में 10 सुख हैं और 1 दुख है, आपको दिन भर क्या याद आएगा? अरे बोलिए ना, हैं? दिन भर दिमाग में क्या चलेगा? दुख की बात चलेगी। और 10 सुख हैं, वो सुख ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। और दुख ज्यादा है कि कम है? कम है। और याद किसको करते हो? पूरे शरीर में जिस अंग में दर्द होता है उसकी याद आती है, और जिसमें नहीं होता है उसकी याद आती है क्या? आपको दांत की याद आ रही क्या? पता चल रहा कि मुंह में दांत है, पेट में आंत है, हैं? कुछ पता चल रहा है? नहीं। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि अभी स्वस्थ है। याद नहीं आना सुख है, याद आना दुख है। जिस चीज की जितनी याद आ रही है मतलब दुख है, चाहे वो राग में हो और चाहे वो द्वेष में हो और चाहे वो बीमारी में हो। याद आना मतलब दुख और याद नहीं आना मतलब सुख। अब भगवान है, भगवान को तुम्हारी याद आ रही क्या? चलो आज अनुराग जी, श्वेता जी और हमारे जगदीश जी भक्त आए, आज विधान करवा रहे हैं, भगवान को खुशी हो रही क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हो रही है। क्यों? उन्हें किसी की याद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, और इतने लीन है कि उनका मन, उनकी आत्मा बाहर की तरफ नहीं जा रही है। वो अपने आत्मा का सुख ले रहे हैं
और इंसान संसार में सुख का सुख तो कम लेते हैं, दुख का सुख ज़्यादा लेते हैं। यदि पड़ोसी परेशान हो आपको कैसा लगेगा, सच बताना, झूठ नहीं बोलना। यदि तुम्हें अच्छा लगता है पड़ोसी तो तुम्हें दुख होगा, और यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, हैं, कई बार जो तुम्हारा शत्रु है उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर तुम उसके यहाँ बैठने जाते हो, अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। अच्छा हुआ चला गया, बहुत बहुत लड़ता था मेरे से, बहुत परेशान किया मुझे, अच्छा हुआ अच्छा यहाँ से गया, अंदर तो ये बात चल रही है और ऊपर से अरे बहुत दुख है भाई साहब चले गए, मुझे भी बहुत दुख है। हाँ, बड़ी याद आ रही है भाई साहब की, बस उनके बिना तो हम रहते नहीं थे, बस उनके साथ तो मेरा एक सहारा था, ऊपर से तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और अंदर से मायाचारी। क्या हो रही है? मायाचारी, यानी दूसरे के दुख में भी तुम्हें सुख का अनुभव होता है, और दूसरे के दुख में सुख का अनुभव हो रहा है मतलब रौद्र ध्यान, सामने वाले को घाटा हो गया, तुम्हें मजा आ रहा, अच्छा हुआ बढ़िया हुआ, ऐसे और पढ़ना चाहिए, और घाटा होना चाहिए, तुम्हें मजा आ रहा है, दूसरे के दुख में तुम सुख मान रहे हो, इसका मतलब ये रौद्र ध्यान है, नरक ले जाने वाला है, दुख का कारण है, दूसरे के दुख में सुख मानना दुख का कारण है। लेकिन बस जब गृहस्थी में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो धर्म महात्मा ज्ञान कर्म सब भूल जाते हैं, उस समय तो वही राग द्वेष चलता है जो हो रहा है, उसी में ही लीन हो जाते हैं, जैसे पानी में जो रंग डाल दो बस उसी रंग का हो जाता है, ऐसे ही संसारी इंसान है, जहाँ जाता है उसी रंग का हो जाता है, वो अपना रंग नहीं पकड़ के रख पाता कि मैं किस रंग का हूँ, मुझे इसके रंग में नहीं रंगना है, मुझे अपने रंग में रहना है, ऐसा अपने आप को बचा नहीं पाता है, और जहाँ जाता है वैसे राग द्वेष मोह कलेश कषाय सब में रंग जाता है। अखबार पढ़ता है तो अखबार मय हो जाता है, लड़ाई करता है तो लड़ाई मय हो जाता है, खुद को भूल जाता है, और जैसे ही हम खुद को भूले वैसे ही जितनी कषाय और सब में सब अटैक करती है, एक सेकंड में सब आके तैयार खड़ी दरवाजे के बाहर। एक पति पत्नी थे, शादी हुई उनके यहाँ, मेहमान आए, सारे मेहमान चले गए, थोड़ा बढ़ाना आवाज, सारे मेहमान चले गए, एक मेहमान नहीं गया, एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, चार दिन हो गए, गया ही नहीं। पति पत्नी दोनों परेशान, पत्नी सोच रही थी पति का रिश्तेदार है, पति सोच रहा था पत्नी का रिश्तेदार है, इसलिए पत्नी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए पति ने कुछ नहीं कहा, फिर दोनों ने आपस में चर्चा करी, ये हैं कौन, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या, बोले नहीं, फिर क्यों पड़ा है यहाँ पे, जाता क्यों नहीं यहाँ से। अब कह भी नहीं सकते, कोई आज के लोग हों तो एकदम से रूखे होकर कह दें, लेकिन पहले के लोग लिहाज करते थे, तो बोले चलो एक काम करना, सुबह जब सो के उठोगी ना तो मैं कहूँगा नाश्ता बना दो, तुम मना कर देना कि मैं नहीं बनाती, मेरे के पैर में दर्द हो रहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा, फिर मैं कहूँगा अरे चलो मेरे लिए नहीं तो मेहमान के लिए तो बना दो, तो फिर तुम कहना ऐसे मेहमान निखट्टू पड़े रहते हैं, यहाँ आ जाते हैं और जाते नहीं हमारे घर से, तो फिर तुम ऐसे ऐसे कह रहा, तो वो मेहमान सुन लेगा पड़ोस में तो वो चला जाएगा। सुबह हुई, जो रात को तैयारी की थी वो तैयारी प्रारंभ हुई, लड़ाई शुरू हुई, झगड़ा शुरू हुआ, बांस ले आया, जब नहीं मानी पत्नी तो बांस मारने लगा। अब मेहमान ने सुना कि अब मेरी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, तो उसने जूता पहना, सूटकेस उठाया और खट 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 करके चला गया। दोनों ने आवाज़ सुनी, अरे चला गया, दोनों बाहर आए, देखा तो मेहमान तो चला गया। अब दोनों सोफे पर बैठ गए तो अपनी अपनी तारीफ करे, देखो मैंने तुम्हें सच में जोर से चिल्लाया तो नहीं, बोले मैंने सच में तुम्हें मारा तो नहीं, मैंने तो खाट पे मारा था, मैंने तुम्हें सच में थोड़ी मारा था, मैंने तो खाट पे मारा था, तुम्हें नहीं मारा था। हम सच में अंदर नहीं आते, हम बाहर ही बाहर रहते हैं, लगता है कि हम अंदर आ गए हैं, लेकिन मंदिर में भी जाके मन के अंदर नहीं रहते हैं, मन के बाहर ही रहते हैं।
मन के द्वारा बाहर ही भागते हैं, मन के द्वारा कभी अंदर नहीं भागते हैं। इसीलिए संसार में रह करके इतने कर्मों का आश्रव होता है, संसार बढ़ता है, राग द्वेष होता है, मोह होता है, कषाय होती है, और बस इसी में ऐसे हो जाते हैं कि अपने जो सच्चा स्वरूप है उसको भूल जाते हैं। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? चलो फिर बंद करो। अब समझ में आ गई फिर क्या सुनाना है? खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले चंद प्रभु विधान का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गुजा का, करने में भगवान की पूजा का, जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में आगरा का। कई बार जगदीश जी आए आगरा, मुरैना भी शायद दो बार आए थे, है ना? दो बार मुरैना आए, माताजी आगरा चलो, माताजी आगरा चलो, पता नहीं उस साइड जाने का भाव ही नहीं हुआ। हाँ, उस साइड जाने का भाव ही नहीं हुआ कि मैं वहाँ जाऊँ, इसी साइड आने का भाव था, मैं आ गई। अब देखो आप कह रहे हो तो कब वहाँ पहुँच पाती हूँ, अभी भी नहीं पता है, है ना? अभी तो चार चार चतुर्मास हैं, एक चतुर्मास नहीं, चार चतुर्मास हैं, एक ही तो कम हुआ है, चार तो हैं, हैं? और हमारे लखनऊ वाले भाई साहब कल आए, बोले माता जी मैं लखनऊ से आया हूँ। अच्छा जी, मैं आपके प्रवचन रोज सुनता हूँ। अच्छा जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, मुझे यहाँ एक प्रतिमा विराजमान करनी है। वाह क्या बात है, पूरे भाव बनाकर आया हूँ, और भाव नहीं बनाकर आया हूँ, विधान भी करवाना है साथ में, और जो नोट थे पूरे साथ लेकर आए, और ऐसे नहीं कि गड्डी लाए हों, उसके ऊपर कागज, उसके ऊपर कलावा, जैसे शुभ और मंगल काम करते हैं ना तो कलावा बांधते हैं, तो उस पर कलावा बांध के लाए थे। मतलब विचार करो कि पवित्र जगह यदि देना है तो उस वस्तु को पवित्र कैसे किया जाता है, कोई इनसे सीखे। बहुत अच्छा लगा, पूरा परिवार आया है, इनके बेटे भी हैं, बहू भी है, पोते भी हैं, सभी लोग आए हैं, है ना? त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। ताराचंद जी जहाजपुर से आए हैं, और स्वस्ति धाम में प्रतिदिन आते, जबकि वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो कुछ भी हो, लेकिन प्रतिदिन आना है तो आना है। पूरे करीब 6 साल लगातार, 6 साल कहीं बाहर गए हो तो बात अलग है, और यदि जहाजपुर में हैं तो स्वस्ति धाम तो इन्हें रोज ही आना है। मतलब कभी तो आलस आए, कभी तो प्रमाद आए, नहीं प्रमाद भी नहीं आता है, है ना? और इनकी श्रीमती जी, इनके भाई, इनका पूरा परिवार आया है, भाई और इनके बेटे का बेटा यानी पोता, पोते में बड़े अच्छे भाव हैं कि वो अपने जो दोनों भाई हैं यानी इनके दादाजी और दोनों दादी को संभालने वाला एक पोता है। कभी कभी पोते भी बहुत अच्छे निकल जाते हैं कि तीर्थ यात्रा करवाते हैं, श्रवण कुमार बन जाते हैं, है ना? तो बंधुओं, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी सोनागिर की यात्रा का, कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और आप सबके जहाजपुर जाने का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और भक्तों के द्वारा होने वाले विधान का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का,